الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج शाबान की 26 तारीख है, महीना अगर 29 का हुआ तो मंडे को रात में तरावी होगी इंशाल्लाह, और मंगलवार पहला रोजा होगा। और अगर 29 का नहीं हुआ तो फिर यकीनी तौर पे मंगलवार को रात में तरावी होगी और बुधवार को उन लोगों का इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। रमजान का महीना आने से पहले शाबान और शाबान से पहले रजब, रजब के महीने में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से तकरीबन 2 महीना पहले दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हम लोगों को रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, यानी रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हम लोगों को नसीब फरमाइए। अल्लाह का करम है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हम सब की दुआ कबूल फरमाई, और इंशाअल्लाह 2-3 दिनों के बाद हमारा और आपका मुबारक महीना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, और खूब खूब इबादत करके खूब खूब अल्लाह से लेने वाला महीना, तौबा वाला महीना हम लोगों को मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले शाबान के अखीर में और लास्ट में जाकर एक रिवायत में आया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की मौजूदगी में आपने एक खुतबा दिया, एक तकरीर की। हदीस की मुख्तलिफ किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हमारे और आपके यहाँ मस्जिद में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम होती है। फ़ज़ाइल रमज़ान के शुरू में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इसी रिवायत को नकल किया है, जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में क्या करना चाहिए और रमज़ान का महीना इस तरह से गुजारना चाहिए हमारे और आपके लिए गाइडलाइन को बयान कर दिया है, हमको और आपको अच्छे तौर पर समझा दिया है। पूरी हदीस को अगर बयान किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। खुलासा ये कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, वो फरमाते हैं خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में हम लोगों के सामने एक तकरीर की और आपने फरमाया, ए मुसलमानों, तुम पर एक बहुत बड़ा अजमत वाला महीना आने वाला है। قد أزلكم فيه شهر عظيم, شهر مبارك, بابرکت مہینہ ہے, شهر فيه ليلة خير من ألف شهر,
इसके अंदर एक रात है जिसको हम और आप शबे कदर कहते हैं, हजार महीनों की रातों से बेहतर है, वो इंशाअल्लाह हम और आप आगे जाकर सुनेंगे समझेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलिही ततव्वुआ। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस महीने का रोज़ा उन लोगों पर फर्ज कर दिया। रमज़ान का रोज़ा तमाम बालिग आक़िल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अगर कोई ये सोचे कि हम अभी रोज़ा नहीं रखेंगे, बाद में रोज़ा रख लेंगे, बाद में चाहे कितना भी रोज़ा रख ले, रमज़ान के रोज़ों के बराबर उसको नेकी और सवाब और अजर नहीं मिलेगा। आगे फरमाया कि इस महीने की रात में अल्लाह ताला ने क़याम करना, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि इससे मुराद है तरावीह की नमाज पढ़ना। तरावीह की नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला ने ततव्वो यानी एक ज़ाहिद अमल, जिसको फुकहा ने लिखा है कि सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर तरावीह की नमाज को भी मशरू कर दिया। आगे फरमाया कि मन तकर्रब फीही बिखसलत मिन अलखैर कान कमन अद्द फरीदतन फीमा सिवा व मन अद्द फरीदतन फी कान कमन अद्द सबईन फरीदतन फीमा सिवा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नवाजने के लिए, अता करने के लिए, अपने बंदों को खूब खूब नेकी देने के लिए मौका को अल्लाह ने मुतय्यर कर दिया है, फिक्स कर दिया है। उन्हीं में से एक रमज़ान का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में अगर कोई नफली इबादत करेगा तो नफली इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर होगा। अगर कोई आदमी दो रकात नफल नमाज पढ़े तो दो रकात फर्ज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। आपने फरमाया कि और अगर कोई फर्ज को अदा करे तो एक के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 गुना ज्यादा सवाब और अजर अदा फरमाएगा। रमजान का महीना हकीकत में लेने का महीना है। लंबी हदीस है, हदीस को अगर पढ़कर सुनाया जाए तो इसी में वक्त खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ दो तीन बातें खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। इसी रिवायत के अखीर में जाकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इस महीने के अंदर चार काम की कसरत करो, चार अमल को खूब ज्यादा से ज्यादा करो। एक अमल तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी अगर हो जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मिला लिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह खूब ज्यादा पढ़ो। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, बज़ाहिर इंतहाई मुख्तसर और आसान अमल है, लेकिन नेकी बहुत ज्यादा है। एक मरतबा हदीस के अंदर आता है कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त किया, ऐ अल्लाह, आप कोई अमल ऐसा बतलाइए कि मैं उसके जरिया आपको याद करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, यानी खूब ज्यादा पढ़ा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये ला इलाहा एक ऐसा कलमा है जो सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ना आसान भी है, कोई एक ऐसा अमल बतलाइए जो स्पेशल मेरे लिए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये जो कलमा है ये ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है कि कयामत के दिन जब नामे आमाल को तौला जाएगा तो दो पलड़ा होगा तराजू का, एक पलड़ा में दुनिया की तमाम नेकियों को, दुनिया के तमाम अच्छे कामों को अगर एक पलड़ा में रख दिया जाए और दूसरे पलड़ा में सिर्फ कलमे तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, तो
तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना भी जिक्र है, जितना भी जिक्र है तमाम अज़कार के अंदर सबसे बेहतरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब एक बंदा कहता है तो गोया कि वो गवाही देता है, ऐ अल्लाह अपने एक, आप एक है, आपके सिवा और कोई इबादत के बंदगी के लायक नहीं है। और दुनिया में जितना भी अमल है, कोई आदमी जितना भी अमल कर ले, अगर वो अल्लाह को एक नहीं मानता है, चाहे पूरी दुनिया को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, लेकिन वो तौहीद का, वहदानियत का और अल्लाह को एक मानने का वो कायल नहीं है, तो उसका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। एक आदमी है, गैर मुस्लिम है, मरवाड़ी लोगों को बहुत मर्तबा सुना, क्रिश्चियन लोगों के बारे में बहुत मर्तबा सुना कि अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा दान खैरात में खर्च कर देता है, लेकिन दान खैरात में खर्च करने का सवाब उसको आखिरत में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि जो कुछ उसने नेकी का काम किया, नेकी के काम की कबूलियत के लिए अल्लाह के यहाँ शर्त है ईमान, तौहीद। क्योंकि उसके अंदर तौहीद नहीं है, वो अल्लाह को एक नहीं मानता है, लिहाजा वो जितना भी अमल कर ले कोई फायदा और लाभ अल्लाह के यहाँ आखिरत में मिलने वाला नहीं है। तो नंबर एक अमल यह है। दूसरा अमल है कि तुम अल्लाह से मगफिरत तलब करो, यानी कसरत से इस्तिगफार करो, कसरत से खूब ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इतना भी नहीं हो सकता है, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, एकदम आसान से आसान जो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्तिग़फार का लफ्ज़ पढ़ा जाए, इस्तिग़फार कसरत से किया जाए। दो काम। तीसरा काम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में खास तौर पे जन्नत का सवाल करो, जन्नत को तलब करो, अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, जन्नत मांगो। और चौथा काम है कि जहन्नम से पनाह मांगो। बुजुर्गों ने चारों को एक साथ जमा करके एक गोया के पढ़ने का तरीका और सिस्टम बता दिया, इस तौर पर पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا إله إلا الله بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، جنت کا سوال بھی آ گیا اور جہنم سے پناہ بھی آ گیا۔ یہ چار کام ہیں جو اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے، خوب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ रमजान का महीना है, हमारे और आपके लिए पूरे साल इबादत का महीना, इसमें कोई शक नहीं, पूरा साल इबादत के लिए है, लेकिन आम तौर पे 11 महीने हम और आप दुनिया के झमेलों में पढ़कर कभी झूठ बोल दिया, कभी गुनाह कर दिया, ये जो एक महीना है अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए ट्रेनिंग कोर्स के तौर पर दिया है कि इस महीने में तुम लोग ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद 11 महीने तक इसी के हिसाब से चलना, इसी के हिसाब से चलना है। लिहाजा इस एक महीने के अंदर खास तौर पे और चार बातें हैं जिस पे हम और आप अमल करने की कोशिश करें। एक काम है कि इस महीने में नवाफिल को कसरत से अदा किया जाए, नफल नमाज, मिसाल के तौर पे जुमे में आए, जुमे की नमाज अदा की, पहले सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा, जुमे के बाद फिर सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा और उसके बाद दो रकात चार रकात नफल भी पढ़ लिया। असर के वक्त आए, असर की नमाज से थोड़ा पहले मस्जिद में आए, दो रकात चार रकात नफल की नमाज पढ़ ली। मगरिब में हम और आप इतना इफ्तार कर लेते हैं, इतना इफ्तार कर लेते हैं कि फर्ज पढ़ना भी मुश्किल, फर्ज पढ़ने के बाद दो रकात सुन्नत मुअक्कदा वो भी नहीं पढ़ते, और अगर वो पढ़ लिए तो उससे ज्यादा नहीं। मेरे भाइयों, सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ा जाए और खास तौर पे कम से कम 6 रकात जो अव्वाबीन की नमाज है
छह रकात से लेकर 20 रकात तक की रिवायत है, लेकिन कम से कम 6 रकात अवाबीन की नमाज पढ़ ली। ऐसा में जब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तरावी वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खास तौर पे सहरी में थोड़ा पहले उठ गया 2 रकात 4 रकात जितना भी हो जाए, वरना 8 रकात तक और ज्यादा हो जाए तो 12 रकात तक हमको और आपको तहज्जुद पढ़ना चाहिए। तो नवाफिल का एहतमाम। नंबर 2, इस महीने में खास तौर पे खूब ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाए। आम दिनों में हम और आप तिलावत करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना, कि जो आदमी कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसको एक नेकी मिलती है। फिर फरमाया कि अल्लाह के यहाँ दस्तूर और नियम यह है कि तुम एक नेकी अगर करोगे तो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला एक के बदले में 10 देगा, 10 देगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अकूल अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हम और आप जो कुरान पढ़ते हैं सूरह बकरा अलिफ लाम मीम, दुनिया में किसी को, एक बात और याद रखिए, दुनिया में किसी को अलिफ लाम मीम का सही माने मालूम नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को इसका सही माने मालूम नहीं है। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ पढ़ोगे 10 नेकी, लाम पढ़ोगे 10 नेकी, मीम पढ़ोगे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम पढ़ा 30 नेकी मिल गई, हमने समझा भी नहीं, बगैर समझ के भी अगर कोई पढ़ता है उसको भी नेकी मिलती है। और रमजान का महीना है, अल्लाह के यहाँ एक के बदले में 70 मिलता है तो 10 के बदले में 700 मिल जाएगा और 30 के बदले में 2100 मिल जाएगा। किसी बंदे ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, अलिफ लाम मीम की तिलावत करने पर कम से कम रमजान में 2100 नेकी मिल जाएगी, 2100 नेकी मिल जाएगी, हालांकि हमने उसको समझा भी नहीं। बगैर समझ के भी पढ़ोगे तो भी सवाब मिलेगा, और अगर समझ कर पढ़ा जाए, कोशिश किया जाए समझ कर पढ़ने की, समझ कर पढ़ा जाए तब तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। तो एक काम हुआ कि रमजान के महीने में नवाफिल की कसरत की जाए, खूब ज्यादा से ज्यादा नफल का इंतजाम, और दूसरा काम हुआ कि कुरान करीम की तिलावत जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तीसरा काम है जिक्र, रमजान के महीने में जिक्र का भी इत्तेमाम। अब जिक्र के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 12 तस्बीह ही पढ़ेंगे और एक साथ हलका लगाकर ही पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, कुछ नहीं, कम से कम ये जो तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, चलते फिरते उठते बैठते कोई जिक्र आप करते रहिए, अल्लाह के यहाँ खूब खूब नेकी और अजर और सवाब मिलेगा। तो तीसरा काम हुआ जिक्र का इत्तेमाम, और चौथा काम वाकईतन जिसकी सबसे ज्यादा हमको और आपको जरूरत है वो है दुआ। रमजान के महीने में मेरे नौजवान साथियों, खास तौर पे लॉकडाउन के बाद से लेकर आज तक बिजनेस का कारोबार का जो हाल है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। इस मर्तबा भी रमजान का महीना कैसा गुजरेगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही है, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं पर धार्मिक स्थल पे ज्यादा लोग जमा होने को मना किया जा रहा है, मुंबई वगैरह में, हैदराबाद में, कल एक खबर आई सहारनपुर के डीएम ने वहां के मदरसे के लोगों को, मस्जिद के लोगों को लेकर बाबता मीटिंग किया और कहा खबरदार खबरदार तरावी के लिए तुम लोगों को मस्जिद में जमा नहीं होना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान का रमजान कैसा गुजरेगा। अल्लाह ताला इस बीमारी को खत्म फरमाए, खूब खूब रो रो कर दुआएं कीजिए, दुआ के अलावा हमारे और आपके पास कोई चारा नहीं। कल आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, टीवी में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का तो जो होना था हुआ, अब निशाना क्या है बाबरी मस्जिद, जो बनारस के अंदर मस्जिद के बगल में एक मंदिर है और कुछ लोगों का दावा है कि आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद को जब बनाया था तो मंदिर का कुछ हिस्सा मस्जिद में दाखिल कर दिया था, कोर्ट में इन लोगों ने केस वगैरह किया था। गालिबन गुज़श्ता कल यूपी के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन, ये फैसला दे दिया है
कि उसकी तहकीक की जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद की खुदाई हो और बाद में चलकर ये मस्जिद भी मुसलमानों के हाथ से चली जाए। मेरे नौजवान साथियों, इस वक्त मुल्क के जो हालात है, मैं जितना जानता हूँ मुझसे 100 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा आप हजरात जानते हैं। और मुसीबत यह है कि इस वक्त बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक मुसलमानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो। अब सिवाय अल्लाह के हमारे और आपके पास कोई सहारा नहीं है। इसलिए कसरत से अल्लाह को याद कीजिए, रमजान के महीने को अल्लाह के वास्ते सिर्फ खाने पीने और चक्कर लगाने में, ऐश आराम करने में, खूब ज्यादा सोने में मत गुजारिए। कसरत से कम फजाइल आमाल में जो फजाइल रमजान है उसको पढ़िए, आसामी में, बंगला में, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी जबान में वो किताब है। हमारे अकाबिर रमजान किस तरह से गुजारते थे, बुजुर्गान दीन सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान किस तरह से गुजारते थे, उसका कुछ न कुछ नमूना हम अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह के वास्ते खूब रो रो कर दुआ लीजिए। अल्लाह ताला हमारी, आपकी, तमाम मुसलमानों की, तमाम मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की और तमाम दीन शायर की हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह ताला इज्जत की जिंदगी हम सबको नसीब फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।